हाँ तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं गुणनफल के हल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। आइए देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो थोड़ा बहुत अजीब क्वेश्चन है, बहुत अजीब क्वेश्चन है, लगाने का तरीका अलग देखा जाएगा कैसे लगाया जाता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले किसी तरह हम अंडर रूट हटाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि कड़ी वाला पार्ट किसी न किसी तरह हट जाए, किसी न किसी तरह कोशिश करेंगे कि आपका कड़ी वाला पार्ट, क्योंकि देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप एक्स स्क्वायर से सॉल्व करते थे, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं आप एक्स पावर 4 के रूप में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। ये कुछ अजीब क्वेश्चन है, अंडर रूट में क्वेश्चन दे दिया है। इसको लगाने का तरीका देखें, किसी आप एक टर्म को इक्वल टू उस साइड भेज दें, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरह लगेंगे। इक्वल टू इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2। ये चीज है, इसके बाद दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। क्या होगा देखिए, 4x प्लस 1 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर करेंगे। यहां जब जानते हैं रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, मीन्स रूट हटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 1। यहां पर रूट हटेगा तो ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें दो चीजें लिखी हुई है, 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2। तो यहां पर एक फॉर्मूला प्ले होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जहां तक हमको पता है कि सबको पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी चीज पे यहां देखेंगे कैसे रहेगा, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2, a बोले तो 1, b बोले तो रूट एक्स प्लस 2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर का 1, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे खुद हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि यहां भी रूट का स्क्वायर है, रूट का स्क्वायर में रूट हट जाता है, और प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, हल करेंगे इसको फिर, 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 और 1 3 प्लस x प्लस 2 रूट x प्लस 2। ठीक है, अब x वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, विदाउट x वाले को एक साइड। ये देखिए मैं सारे x वाले किधर लाता हूं, ये हो जाएगा 4x माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट में रूट में x प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1। 4x में सिर्फ x जाएगा, 3x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक, तो देखिए अभी फिलहाल x एक्स वाले एक साइड आ गए, विदाउट x वाले एक साइड चले गए, तो आप क्या कर सकते हैं दोनों साइड के स्क्वायर कर लेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, टू किधर रहिए 3x माइनस 2 इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 2।
रूट वन आपका हो गया काम खत्म, विदाउट रूट वन एक्स आई। फिर दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा हमें अब वर्ग करना है, ये भी दिक्कत है, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे वर्ग करना है? तो देखिए अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो शायद यहाँ से रूट हट जाएगा, और जब अंडर रूट करनी हट जाएगी तो हमें लगाना काफी आसान हो जाएगा। देखिए लगाते हैं, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर, आइए 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 का स्क्वायर। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है आपका 3x, b है आपका 2, ठीक है। इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसा कुछ होगा x प्लस 2 का स्क्वायर ऐसा, ये देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस 3x, 12x इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 2। हल करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 8। अब देखिए x x वाले को एक साइड कर लीजिए, विदाउट x वाले को एक साइड कर लीजिए, या फिर दो तरीका, आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x माइनस 4x माइनस 8 होगा, ध्यान दीजिएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 9x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसकी जोड़ का कुछ नहीं है। फिर ध्यान दीजिए माइनस 12x और माइनस 4x ये दोनों को लगाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 16x, फिर बचा प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 8 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपका इक्वेशंस आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए पहले नहीं दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है, बाद में सॉल्व करने के बाद हमको इतना सॉल्व करने के बाद पता चला कि हाँ यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक द्विघात समीकरण के रूप में है। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि द्विघात दो है। समीकरण क्यों? क्योंकि बराबर जीरो है, इसलिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा ये। तो हल करने का तरीका वही पुराना वाला, 9 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 में तो हो जाएगा आपका माइनस 36। अब माइनस 36 को ऐसे टू पार्ट में तोड़िए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 16 हो जाए, आइडिया मल्टीप्लाई करने पर माइनस 36 हो जाए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाए माइनस 16। तो दो प्रोसेस, पहले आप टेबल याद तो डायरेक्ट कर लीजिए, टेबल नहीं आते तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो मे बी आपको 18 और 2 पड़ेगा। देखते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, 36 का 2 हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है, और फिर 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 और 18, 2 और 18 ऐसा दो पेयर है, मल्टीप्लाई करने पर 36 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 16 हो जाएगा। अब माइनस 16 चाहिए तो भाई इसमें कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, तो हम कह सकते हैं 2 प्लस होगा 18 माइनस होगा। यहां देखते हैं मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 16 चाहिए आपको भैया, लो हम ऐसे भी कर सकते हैं 18 माइनस 2 इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 0, वही चीज आएगा सेम चीज यही कि यहां पे आएगा। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 2x वही चीज आएगा, देखिए यहां पर प्लस 2 है प्लस 2 है माइनस 18 है माइनस 18 आ गया, ठीक है माइनस 4 इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज दोनों में क्या कॉमन है आपका,
दोनों में कॉमन है, हमें दिख रहा है 9x कॉमन है, यहाँ से 9x बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका x, हाँ x बच जाएगा माइनस यहाँ 9x से डिवाइड होगा तो हो जाएगा आपका 2 ही बचेगा, x नहीं बचेगा, x यहाँ पर 1 है और 1 हमने निकाल लिया। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले, नहीं माइनस 2 नहीं कॉमन लेंगे, क्या लेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, हमें प्लस नहीं चाहिए, क्या चाहिए माइनस, इसलिए हमने प्लस कॉमन लिया ताकि ब्रैकेट के अंदर कोई इसका असर ही न पड़े। तो जब 2 कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा भाई x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है आपके। मैं इसको मिटा देता हूं, ये चीजें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है बैक कर सकते हैं। दोनों में कॉमन है आपका x माइनस 2, एक ब्रैकेट में कॉमन है 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार आप इसको रोकिए अपने पास x माइनस 2, इसको उधर भेज दीजिए इक्वल टू के 0 अपॉन 9x प्लस 2 हो जाएगा, मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एक वैल्यू x की एक वैल्यू मिली 2। दूसरी बात, मैं 9x प्लस 2 को रोकता हूँ इक्वल टू 0 अपॉन x माइनस 2, यहीं से चीजें आई 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड करो 0 हो जाएगा, 9x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9, ये दूसरे वैल्यू, x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिली x इक्वल टू 2 और एक मिली 9 टू बाई 0, 9 दो वैल्यू मिली x की। यह आपके ऐसे दिए गए समीकरण का हल आया, जीरोस आया, सॉल्यूशन आया, जो चीज करें आप x की यह वैल्यू है, और यदि आप x की यह वैल्यू रखते हो यहाँ पे और सॉल्व करते हो तो यह 0 आ जाएगा, मतलब उस कंडीशन में यदि x वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं और ये 0 आ जाता है तो हम कहते हैं यस 2 इज ए जीरोस ऑफ दिस इक्वेशंस, जीरोस मतलब शून्यांक, दो दिए गए समीकरण का शून्यांक है। यह कहा होता है कि हल कीजिए कि x बराबर 2 और माइनस 2/9 2/9 इस समीकरण का हल है, तो हम x के मान पे यहाँ रखते यदि 0 आ जाता तो कहते हाँ समीकरण हल है। यार क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस आपको हल करने के लिए कि हल कीजिए और x का मान निकालिए, ऐसे हल करेंगे और ऐसे आप x का मान निकालेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लगाने की, क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मैं आप लोग को कुछ इसी में का इसी तरह का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, लगा लीजिएगा ठीक है। देखिए क्वेश्चंस 2x प्लस 3 ऐसे लिख देते हैं, 2x प्लस 3 एंड माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1, इसको लगाने का तरीका है, लगाइएगा आप लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई तरीकों को सीखने के साथ, तब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहिए, तो के लिए बाय बाय।